मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 सितंबर से शुरू हो रही राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, नगरीय निकाय और पंचायत जनप्रतिनिधियों से अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने का आह्वान किया है। साथ ही राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के आयोजन में सभी के सक्रिय सहयोग, समन्वय और पूर्ण भागीदारी की अपेक्षा की है। संसद में लोकसभा का मानसून सत्र कोरोना वायरस संकट के बीच 14 सितंबर से शुरू होगा। इस बारे में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना संकट और सीमा विवाद के साथ अर्थव्यवस्था की बिगड़ी हालात के चलते माना जा रहा है कि विपक्ष सरकार को जमकर घेरेगा। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि वह चीन मुद्दे, महामारी और आर्थिक हालात को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा। वहीं सरकार की प्राथमिकता करीब 1 दर्जन विधेयक और अध्यादेश के स्थान पर लाए जाने वाले प्रस्तावित कानूनों को मंजूरी दिलाने की होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की पूर्ण विचार याचिका खारिज करते हुए उसे 5 अक्टूबर को कोर्टरूम में मौजूद होने को कहा है। सर्वोच्च अदालत ने गृह मंत्रालय से भी कहा है कि वह कोर्टरूम में विजय माल्या की उपस्थिति सुनिश्चित कराए। गौरतलब है कि विजय माल्या ने साल 2017 के फैसले, जिसमें उन्हें कोर्ट की अवमानना के लिए दोषी ठहराया गया था, उसकी समीक्षा के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अवमानना का दोषी ठहराया था क्योंकि माल्या ने अपनी संपत्ति का सटीक हिसाब नहीं दिया था और पैसे अपने बच्चों को ट्रांसफर करा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को 5 अक्टूबर दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना होगा। सेना हमारे देश का गौरव है। लद्दाख में चीन की नापाक हरकतों का जवाब सेना पूरी मुस्तैदी से दे रही है। अब सेना के एक ट्वीट ने करोड़ों दिल जीत लिए। दरअसल लद्दाख में चीन की घटिया हरकतों को लेकर देश में आशंका का माहौल है। लोगों को भरोसा दिलाते हुए रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट कर देशवासियों को आश्वस्त किया गया कि चिंता की कोई बात नहीं है। इस ट्वीट में कहा गया कि आप चैन से सो जाएं क्योंकि सेना आपकी रक्षा के लिए मुस्तैद है। ट्वीट में लिखा गया, आप सुकून से सो जाएं, हम आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। सेना के इस ट्वीट ने करोड़ों देशवासियों के दिल को छू लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA हटाने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश गोरखपुर की BRD मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 सितंबर 2019 को कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डॉक्टर कफील की मुंबई से गिरफ्तारी की गई थी। कोर्ट ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाने जाने के गैर कानूनी करार दिया। बता दें कि बीते दिनों डॉक्टर कफील के मामले में जल्द फैसला देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फिलहाल वह मथुरा जेल में है। कोरोना संक्रमण के चलते ठप पड़ी बस सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। 3 सितंबर से अब बसें वापस सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के साथ बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद इस पर सहमति बनी। बताया जा रहा है कि बैठक में बस ऑपरेटरों की मांग पर चर्चा हुई, जिसमें सरकार की तरफ से बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत देते हुए 2 महीने की टैक्स में छूट दी गई है। इसके साथ ही अन्य मांगों पर भी सहमति बनी है। जल्द ही अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर बैठक होगी, जिसमें सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद उस पर फैसला लिया जाएगा।